भाई गाड़ी बंद होने वाली है, पार्ट लग गई। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब भाई। ये रही अपनी ओला सेवन स्कूटर और अभी इसकी बैटरी भाई 12% है, तो इसको बिल्कुल जीरो करने वाला हूँ भाई। देखते हैं इतने भी जो है ये बंद होती है, मतलब 1%, 2%, 4% इतने भी बंद होगी वो दिखाने वाला। तो भाई स्कूटर अनलॉक, लो बैटरी का आ गया साइन। देखो भाई, सुबह से मैंने स्कूटर चला दी, 117 किलोमीटर रैपिडो मैंने बाइक टैक्सी में काम कर रहा था उसमें, और अभी ओनली ये चार मोड होते हैं इसमें, हाइपर, स्पोर्ट, नॉर्मल। तो तीन मोड तो डिसेबल है, मतलब तीन मोड चलेगा ही नहीं, सिर्फ एक मोड चलेगा इको, जिसमें कि 18 किलोमीटर और बैटरी बाकी भाई 12%। देखते हैं ये 12% जो 18 किलोमीटर दिखा रहा है, 18 किलोमीटर चलती है या नहीं, या बीच में ही बंद हो जाएगी। एक दिन मेरा भाई ये गाड़ी चला रहा था तो वो 8 किलोमीटर बंद हो गई थी। जब मेरे चूहे ने ये गाड़ी काटी थी भाई, धक्के मारने में झंड हो गई थी, तो कहीं फिर से बंद ना हो जाए, नहीं तो दूर, नहीं तो फिर मैं धक्के मारते फिरूँ पिछली बार की तरह और पसीना पसीना हो जाऊँ, वो वाला सीन है। तो मैं इसको जो है जब 8 किलोमीटर बचेगा अपने रूम के आसपास ले आऊँगा, और फिर 8 किलोमीटर वहीं में राउंड लगाएंगे भाई, और फिर जो है अपनी बैटरी इसकी ख़त्म करेंगे। तो चलो अभी मैं 16 बचा भाई, अब भी 17 था, अभी 16, बहुत जल्दी जल्दी बैटरी गिरने लगी अब तो ज़्यादा दूर नहीं ले चलता हूँ मैं। और इको मोड में ये चल रहा है भाई, इको मोड में इसकी 42 से ज़्यादा स्पीड नहीं आती, ये मैक्सिमम स्पीड है 42, इसके बाद जो है आगे बढ़ती नहीं भाई ज़्यादा, कभी कभार 43 हो जाए थोड़ा सा अगर इसको फुल खींच दो एक्सीलेटर को, तो नहीं तो 42 इसकी मैक्सिमम स्पीड है इको मोड की, इससे तेज चलती है कि नहीं है यही है भाई। बैटरी अब लो होगी तब भगती नहीं, स्लो स्लो चलती है भाई स्कूटी। वो तो ये भाई वो है एमरजेंसी की घंटी बजा देता भाई कि बैटरी लो है, अब जो है चार्ज कर लो, अभी इतना चल रहा है नहीं तो ये भी कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। 16-15 बची भाई, देखो इसमें आपको दिख रहा हो तो अब 15 बचा, बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है। 1.2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर गिर गया भाई। तो नॉर्मल मोड 23 के बाद शुरू होता है, 23 किलोमीटर दिखता है, और 23 से अगर नीचे होगा तो इको मोड रहता है भाई। तो अब इको मोड का प्रॉपर 23 के 23 किलोमीटर चलाना है तो बैटरी भाई 30 की स्पीड में चलानी पड़ेगी आपको, या फिर 20 की स्पीड में चलानी पड़ेगी, नहीं तो बैटरी फटाफट गिरेगी भाई। अभी देखो मैं आपको टेस्ट भी करा देता हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने चेक करा था, अगर आप इसको स्लो चलाओगे तो बराबर जो 1 किलोमीटर इसका दिखा रहा है, मतलब जैसे 15 दिखा रहा है, तो बराबर अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा तो किलोमीटर इधर घट जाएगा, लेकिन स्पीड आपकी 20 होनी चाहिए। अगर आप तेज़ स्पीड करोगे तो आपकी जो है बैटरी फटाफट गिरने लगेगी। ये जब 14 बचेगा फिर आपको टेस्ट कराता हूँ कि देखो 1 किलोमीटर यहाँ कमेगा तो 1 किलोमीटर इधर बढ़ जाएगा, और तेज़ भगाऊंगा अभी देखो फटाक से 14 हो जाएगा। देखो इसको मैं टॉप कर दिया, 43 आ रहा है, 44 आ गया भाई, अभी 42 आ गया इसका टॉप, अब इससे तेज़ भगेगा ही नहीं। ये देखो मैंने पूरा खींच दिया, 42 है, 42 से ऊपर जा नहीं रहा। जैसे यहाँ 14 किलोमीटर हो जाएगा फिर मैं आपको भाई टेस्ट कराता हूँ कि 1 किलोमीटर में ये स्कूटी 1 किलोमीटर चलती कि नहीं, लास्ट का जो किलोमीटर रास्ता उसमें, उसी में पता चलता है भाई बैटरी की लाइफ कैसी, मतलब बैटरी दमदार है कि नहीं, बैटरी ख़त्म तो नहीं हो गई है, वो वाला है सीन। तो जल्दी से 14 हो जाए भाई, अभी 1 किलोमीटर तो देखो भाई बहुत चल रहा है, 1.2 के बाद इधर 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, मतलब 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चल गई भाई इस बार तो, मतलब बैटरी का बैकअप, बैटरी सही बैकअप दे रही है अगर रोड अच्छा हो तो, एकदम सीधा सपाट हो तो। और अभी तो भाई 15 किलोमीटर से 14 ही नहीं हुआ यहाँ पे हो गया कितना 2.4, ये 1 किलोमीटर तो कुछ ज़्यादा ही बैकअप दे रहा है भाई, क्या बात है, स्पीड भी 30 की है जल्दी से। हाँ अब देखो भाई 14 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे है, एक मिनट रोक देता हूँ मैं भाई गाड़ी, देखो भाई यहाँ पर है 14 किलोमीटर और यहाँ पर है 2.5, तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ पहले। देखो ज़ीरो करने के लिए इसको बंद करना पड़ेगा स्कूटी को, तभी ट्रिप हटेगा, नहीं तो ट्रिप नहीं हटेगा। इस बटन से अपन ने कर दिया भाई ज़ीरो, ट्रिप हो गया और गाड़ी हो गई बंद, गाड़ी फिर से ऑन कर लेते हैं। तो भाई गाड़ी अनलॉक और ट्रिप यहाँ पे ज़ीरो और 14 किलोमीटर, अब देखते हैं ये 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चलती कि नहीं। तो गड्डी चलने के लिए रेडी, ब्रेक दबा के भाई ये बटन दबा तो गड्डी चलने के लिए ऑन हो जाती है, जिस बटन से चालू होती है अनलॉक होती है उसी को बटन दबाओ और ब्रेक दबाओ तो गाड़ी चलने के लिए तैयार। अब देखो भाई मैं आपको इसको 20 की स्पीड में चेक कराता हूँ, अगर आपको स्पीड इसमें दिखे तो। एक तो मैंने डिस्प्ले भी भाई फुल स्क्रीन फुल ब्राइटनेस कर रखी, वो भी जो है बैटरी खाती है, अगर बैटरी आपकी लो रहती है तो कोशिश करें आप डिस्प्ले को मतलब कम से कम ब्राइटनेस पे रखें, क्योंकि फोकट की बैटरी वो भी खाएगा भाई। भाई 20 की स्पीड तो बहुत ही कम हो जाएगी यार ये इस रोड पे, ये 28 की स्पीड है जिस स्पीड में अभी चल रहा हूँ, ये 20 की आ गई, ये है भाई 20 की स्पीड, मतलब अगर आपको भाई गाड़ी को
रूम घर तक पहुंचाना है, अपने रूम तक पहुंचाना है, तो इस स्पीड में ले जाना पड़ेगा जब आपकी गाड़ी की बैटरी भाई ख़त्म हो रही होगी। तो ये भी इसकी स्पीड है भाई, मतलब ये चींटी की चाल कह लो इसको आप। तो इस तरह से रेंगते रेंगते इंसान रेंगने में भी इससे तेज़ चलेगा भाई, रेंगने में तो नहीं चल पाएगा। वैसे 20 की स्पीड काफ़ी है। और भाई रोड देखो मस्त एकदम, आजू बाजू वाले ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। थोड़ी सी धूप है, नहीं तो शाम के समय और अच्छा लगता है। देखो बात करने के चक्कर में 22 तेज़ की स्पीड आ गई थी। चलो भाई अभी वापस 20 की स्पीड में अपन आ गए। भाई पहली बार इसको 20 की स्पीड में चला रहा हूँ, मतलब ऐसे मन से। बाकी नॉर्मली चलाया हो तो, बाकी नॉर्मली ऐसे चलाते हैं तो ध्यान नहीं रहता जब ट्रैफिक वगैरह रहता है तो, लेकिन अभी ध्यान से चला रहा हूँ तो भाई क्या ही बोलूँ, क्या फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है भाई चीटी से रेस कर रहा हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 0.9 किलोमीटर, और यहाँ पर अभी भी 14 के 14 किलोमीटर बाकी है। तो यानी ये लास्ट, यानी जो 1 किलोमीटर है वो लगभग 1.5 किलोमीटर चला देगा, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो, अगर आप 20 की स्पीड में चलाओगे तो। और कंपनी सही कहती है भाई फिर तो, कि भाई अगर आप इको मोड में इसको चलाओगे तो 170 क्या 181 चल जाएगी, अगर आप इसको 20 की स्पीड में चलाओगे तो। कंपनी ने ट्रू, देखो भाई 1 किलोमीटर कंप्लीट और 14 के 14 किलोमीटर भी बाकी है। तो चलो देखते हैं ये 1 किलोमीटर कितने पर गिरता है, दब ट्रिप में कितना होता है। अभी 1 किलोमीटर तो हो ही गया, हो सकता है भाई बाकी 1.5 किलोमीटर हो जाए, तो इस हिसाब से तो 200 किलोमीटर चल जाएगी भाई 20 की स्पीड में। कंपनी का क्या है भाई, कंपनी ने बोला है हमारी गाड़ी इतना बैकअप देती है, तो कंपनी को कोई फेल तो नहीं कर सकता भाई, कंपनी अपनी जगह पे सही है। अब वो कैसे चला के दे रही है आपको, कैसे रेंज बता के दे रही है, ये उसने क्लेम नहीं करा कहीं भी कि भाई हमने 20 की स्पीड में जो किलोमीटर निकाला है वो बताया आपको, समझ रहे हो ना भाई। तो कंपनी ने इसलिए बोला है कि ये ओला S1 प्रो 181 किलोमीटर चलती है, अभी भी 14 के 14 किलोमीटर है अगर आपको दिख रहा हो तो भाई। हाँ भाई 13 किलोमीटर बचा और 1.3 किलोमीटर ये चली, तो चल जाएगी भाई। वो इको मोड में इसमें डिस्प्ले में दिखाता है 170 किलोमीटर चलेगा, तो अगर आप इसको 20 की स्पीड में चलाओगे तो 181 कोई बड़ी बात नहीं भाई, चल जाएगी स्कूटर। लेकिन कोई भी भाई इसको अगर 181 एक बार में चलाएगा ना भाई 20 की स्पीड में, तो पागल हो जाएगा भाई, कमर टूट जाएगी उसकी। और अगर 20 की स्पीड में भाई 181 किलोमीटर पूरा इसकी रेंज टेस्ट कराना भाई, पूरा दिन निकल जाएगा, 2-3 घंटे और निकल जाएंगे। अगर सुबह 6 बजे शुरू करेगा तो रात ही हो जाएंगे भाई। चलो अभी 13 किलोमीटर बाकी है, मैं 4-5 किलोमीटर आ चुका हूँ अपने रूम साइड से, वहाँ आगे से जो है फिर से टर्न लूँगा भाई, क्योंकि स्कूटर अगर बंद हो गई और यहाँ से मैंने धक्का मारा तो मैं पागल हो जाऊँगा भाई। अभी जो बात कर रहा था मैं, रेंज टेस्ट जो भी करेगा उसकी कमर टूट जाएगी, ऐसे ही भाई मेरी कमर टूट जाएगी अगर यहाँ से गाड़ी बंद हुई और तो मैंने धक्का लगाया तो। भाई बैटरी गाड़ी बंद होने वाली है, पार्ट लग गई, 7 किलोमीटर पे जो है बैटरी बंद हो गई भाई, ये देखो। तो अभी 3% पे जो है स्कूटी बंद हो गई, लंका लग गई, अब कुछ नहीं कर सकते भाई। अभी मैं रूम से भी दूर हूँ भाई, वाट लग गई भाई मेरी 3% पे, 0 किलोमीटर हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ दिखा रहा था 7 किलोमीटर, यानी मेरा भाई सही बता रहा था, 8 किलोमीटर पर जो है बैटरी इसकी ढुस हो जाती भाई। आज मैंने रैपिडो में इसको चलाया गाड़ी को, 126 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली भाई, क्या ही बोले भैया, बोला कंपनी को। आज मैंने सिर्फ 2 ही मोड में चलाया, एक इको मोड में और एक नॉर्मल मोड में, और 2 लोगों के बैठा के इसकी रेंज आई 126 किलोमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई। और अब मेरी बारी आई भाई धक्का मारने की इसको, स्कूटी को अपने रूम तक, और ये भरी धूप भाई। अब आएगा मज़ा। तो भाई लास्ट के 7 किलोमीटर बचे थे और स्कूटी ने बोल दिया आउट ऑफ चार्ज बैटरी, इसको खड़ी कर दो और चार्ज लगा दो तो आगे बढ़ेगी वरना अब नहीं चलेगी।
मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे लिखा भी आ रहा है देखो। तो भाई यहाँ पे लिखा गया प्लीज चार्ज योर स्कूटर टू कंटिन्यू राइडिंग। अब गाड़ी नहीं चल सकती भाई, आगे बढ़ ही नहीं सकती। बस इसमें आप डिग्गी विग्गी खोल सकते हो, 3% बैटरी दिखा रहा है उसमें, और इसको अनलॉक वगैरह कर सकते हो। 0 किलोमीटर जब हो जाता है तब इसकी कोई भी बटन है मतलब चलने वाली कोई भी काम नहीं करती है पावर बटन। ये मैंने ब्रेक को दबा लिया, ये अब ये देखो काम ही नहीं कर रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब इस पर। ये देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये लिखा रहा है बस प्लीज़ चार्ज योर स्कूटर टू कंटिन्यू राइड। इस बटन से कुछ भी नहीं बोल रहा, वो पहले बोलता भी था कि लो बैटरी प्लीज़ इको मोड में चलाएँ, इससे ऊपर मोड ना करें अगर अपन मोड चेंज कर देते। अभी तो वो कुछ भी नहीं बोल रही भाई स्कूटर, अभी स्कूटर हो चुकी ठोस पूरी तरह। तो भाई 2:40 तक मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। ये लगा भाई वायर चार्जिंग के लिए लाइट वाला,